नहीं, बचपन से इन लोगों ने बहुत मेहनत की है और मैं यही कहना चाहूँगा कि हर आदमी को अपने मेहनत का फल मिलता है। पॉजिटिव सोचना चाहिए उसको और हमेशा अपने कार्य के ऊपर ध्यान देना चाहिए, सुबह शाम का टाइम टेबल बनाना चाहिए। और ये है कि कभी भी हार नहीं मानना है आपको, हिम्मत नहीं हारना है। थोड़ा समय लगता है, किसी को जल्दी मिलता है, किसी को लेट मिलता है, लेकिन ये कि सरफराज ने बचपन से मेहनत की, मुशीर ने मेहनत की, उसी तरीके से हर बच्चा मेहनत करेगा तो एक दिन वो भी मंजिल पर पहुँचेगा। जिस प्रकार से संघर्ष रहा था, कहीं ना कहीं पूरा परिवार का सपोर्ट मिला तभी जाके आगे बढ़े। ऐसे सपोर्ट मिलते चाहिए और क्या करना चाहिए? नहीं, परिवार का सपोर्ट चाहिए, गांव वालों का सपोर्ट चाहिए, शहर के जो जो जो, जो क्या बोलते संस्था है उन सबका सपोर्ट चाहिए। इसमें हर एक की ज़रूरत होती है क्योंकि फैसिलिटी तो चाहिए होती है ना। अगर प्रैक्टिस अकेले तो आदमी नहीं कर सकता है, सबका साथ चाहिए तब जाके विकास होता है। तो इनके लिए भी जो घर का सपोर्ट मिला है, जो हमारी मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने जो इनको संभाला है, ये सबने मुंबई क्रिकेट ने बहुत किया है क्योंकि हमारे इधर का जो कल्चर है मुंबई का वो टॉप क्लास का है। वहाँ की फैसिलिटी बहुत अच्छी है क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि आपको 3 दिन के 2 दिन के मैच बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को टेस्ट मैच के अंदर, वनडे में और T20 में, तीनों फॉर्मेट में वो पक्के हो जाते हैं खेल खेल के। तो वहाँ का सिस्टम है तो इसके लिए वो फैसिलिटी से आगे बढ़े इन लोग। जिस प्रकार से अभी का परफॉर्मेंस था और आगे का क्या देखना होगा, आगे कैसा मेहनत आगे बस वही चाहूंगा कि सुबह 5 बजे उठे, रात के 9 बजे सो जाए अगर कोई काम नहीं है, अगर रमजान नहीं है तो। क्योंकि हमारा तो मकसद यही है कि बस जैसा पहले करते आ रहे थे उसी तरीके से टाइम टेबल पे उठे, टाइम टेबल पे सोए, जैसा प्रैक्टिस कर रहे थे वैसी करें। तो बाकी सब सोचना नहीं है क्योंकि अभी तक आपने वही करते हुए यहाँ तक पहुँचे, तो वही काम कंटिन्यू करना है इसमें। अब जितने युवा हैं, चाहे आजमगढ़ के हो, चाहे देश के जो भी देख रहे हैं, उनके लिए क्या आपके लिए क्या संदेश होगा, क्या कहना चाहिए? नहीं, उनको यही कहूँगा कि मैं कि सपने देखना चाहिए तो, लेकिन सपनों के साथ में वो कलाम साहब ने ये भी कहा है कि सपने वो नहीं जो सोने पर आते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। तो आप आंखें खोल कर सपना देखो और मेहनत करो तो एक ना एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। ऑल द बेस्ट। ये कि मतलब यहाँ पर आने के बाद अलग खुशी होती है अपने गांव में आने के बाद, और जैसे कि अभी रमज़ान का महीना चालू है तो हम लोग यहाँ पर तैयारी करने आए आए हैं, क्योंकि दिन के टाइम पे उतनी प्रैक्टिस हो नहीं पाती है तो हम रात को करते हैं यहाँ पर। कितना संघर्ष रहा आपने देखा भाई का साथ में, देखते होंगे, और जब अचीवमेंट मिल गई तो क्या लगता था कि सही रहा, आगे क्या? यही है कि मतलब बहुत मेहनत करने के बाद भाई को इंडियन टीम में मौका मिला, बहुत रन बनाने के बाद, कई सालों इंतज़ार करने के बाद। तो उम्मीद यही करूंगा कि भाई वहां पर लगे रहें, अपनी जगह को एकदम पक्की कर लें तो मतलब अच्छा है। अब तो ट्रेंडिंग में चल रहा है, सब जगह सब लोग देख रहे हैं, दिन तो जो बंदा आपने कही हो, तो अब आगे अपने जितने यूथ जनरेशन है उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? यही कि जैसा मतलब हमारे अब्बू हमको बोलते हैं कि मेहनत पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, अपने प्रोसेस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा इधर उधर के बारे में नहीं सोचना चाहिए, अपने ऊपर जितना ध्यान देंगे उतना अच्छा रहेगा। यही है कि मतलब भाई अभी वहाँ पर खेल रहे हैं, धीरे धीरे उम्मीद करूँगा कि अच्छा खेले, अपना देश का नाम रोशन करें। काफी संघर्ष रहा आपके परिवार के लोगों का, आपके फैमिली के लोगों का, आपका आज ये अचीवमेंट है, उसमें क्या ये कि हाँ बहुत मेहनत की है अब्बू ने, हमारी पूरी फैमिली ने मिलकर हमारे पीछे बहुत मेहनत की है और बहुत सपोर्ट भी दिया है, और जैसे बाहर के जो लोग हैं उन्होंने बहुत सारी मदद दुआ भी की हमारे लिए। तो ये उम्मीद करता रहूँगा कि हमारे लिए दुआ करें और हम ऐसे खेलते रहें। अभी मैंने U19 वर्ल्ड कप खेला और रणजी ट्रॉफी भी खेला, उसके अंदर अच्छा परफॉर्मेंस किया था, बस उम्मीद करूँगा खेलता रहूँ, अच्छा नाम रोशन करता रहूँ।